नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। बिहार विजय के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। लेकिन बंगाल की सियासत को समझने वाले इस बात से बेहतर तरीके से वाकिफ हैं कि बंगाल में सियासत का मतलब हिंसा, हत्या और दंगे हैं। बंगाल में बम और बल के बूते राजनीति करने और चमकाने की रवायत है। बंगाल के सियासी खेल को समझने के लिए बंगाल का रक्त चरित्र भी समझने की जरूरत है। अगले आधे घंटे हम लगातार आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि बंगाल चुनावी में जीत के मायने क्या हैं और क्यों इस बार का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए बीते तमाम चुनावों की तरह कतई आसान नहीं होगा। एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूँ। आप निकालो ना उनको, कौन रोक रहे आप। बंगाल की पॉलिटिक्स का डर्टी चेहरा, बंगाल में बम और बल की राजनीति, क्या है बंगाल की सियासत का एक्स फैक्टर। हैदराबाद में बीजेपी का कमाल, अब ओवैसी के निशाने पर बंगाल। क्या बंगाल में चलेगा हैदराबाद फॉर्मूला। बंगाल की सियासत लेगी यूटर्न। बंगाल का रक्त शास्त्र। अगले साल यानी 2021 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी पार्टियों ने इसके लिए कमर कस ली है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बंगाल की सियासत बिना हिंसा, हत्या और दंगों के कभी मुकम्मल नहीं हो पाती। शनिवार को टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जवानी जंग बमबाजी में तब्दील हो गई। इस घटना में 7 बीजेपी कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी हुए। बर्दवान के आसनसोल से आई ये तस्वीरें बंगाल की सियासत का असली चेहरा है। सियासत की ये तस्वीर डराने वाली। लेकिन दशकों से बंगाल इसी तरह की सियासत का आदि रहा है। यहाँ बम, बल और हत्या के बूते ही सरकार गिरती और बनती। बंगाल की पुलिस उसी वैधानिक चेतावनी जैसी है जिसको पढ़ने के बाद भी हमारा आप अनदेखा कर देते हैं। एक बार फिर से बमबाजी की ये हैरान करने वाली तस्वीरें देखिए। तस्वीर में दर्जन भर लोग बेतहाशा बम और पत्थर चला रहे हैं, इस डर से बेखौफ कि उनकी ये बहादुरी न जाने कितनों की जान ले ले। हम प्रजातंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, हाँ आगे भी हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। हमें ताकत है, हम इसका जवाब दे सकते हैं, पर हमें हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं है। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आसनसोल में शनिवार को भी इस हिंसक वारदात में बीजेपी के 7 कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हो गए। बीजेपी के स्थानीय नेता लेखन घुरोई ने कहा तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने फायरिंग की और बम फेंके जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं।
पुलिस से मदद मांगने के बावजूद भी वो आगे नहीं आए। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने बीजेपी पर इस हिंसा का आरोप लगाया है। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी की रैली थी जिसमें वो बम लेकर आए थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर हमला कर दिया, हम इसकी आलोचना करते हैं। बिहार विधानसभा में जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी का पूरा जोर पश्चिम बंगाल को फतह करने पर है। अभी से ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने दम लगाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव कई मायनों में अहम हैं, क्योंकि इस बार बंगाल के चुनाव में ओवैसी की एंट्री हो गई है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय होगा। तपस्विन गुप्ता के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। बंगाल चुनावों से ठीक पहले सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बिहार के सीमांचल इलाके में 5 सीटें जीतने वाले ओवैसी की पार्टी की। इस बार ओवैसी बंगाल में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बंगाल की सियासत में ओवैसी की एंट्री से ममता को नुकसान होगा और बीजेपी को बड़ा फायदा। कभी ममता को शिखर तक पहुंचाने वाले मुस्लिम वोटर कैसे इस बार उनकी मुसीबत बढ़ाने वाले हैं, इसे समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। ममता अपने माइनॉरिटी वोट बैंक के बूते 10 साल से सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन इस बार ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी बंगाल चुनाव में उतरने के ऐलान से तमाम समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी ममता के वोट बैंक में सेंध लगाकर उनका खेल बिगाड़ेंगे? क्या इससे बीजेपी को सत्ता हासिल करने में मदद मिलेगी? तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और सीपीएम जैसी पार्टियों ने ओवैसी के चुनाव मैदान में उतरने को खास तवज्जो नहीं दी। दूसरी ओर बीजेपी ने भी कहा कि उसे बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए AIMIM या किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर खाने तमाम दल ओवैसी की ओर से मिलने वाली चुनौतियों की गांट के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये सरकार बंगाल के गरीबों के अधिकार को रोक कर बैठी। हम किसानों को पैसा भेजना चाहते हैं, किसानों की सूची नहीं मिलती। हम गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक स्वास्थ्य का खर्चा देना चाहते हैं, आयुष्मान भारत योजना बंगाल के अंदर लागू नहीं होती। किस प्रकार की व्यवस्था आप कर, राजनीति की भी एक हद होती है, और आप हमें कह रही है हम राजनीति कर रहे हैं। देश भर ने आयुष्मान भारत योजना स्वीकार ली, अंत में अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वीकार ली, मगर ममता दीदी आप क्यों नहीं स्वीकार रही हो, बंगाल की जनता आपको पूछना चाहती है। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए ममता को चुनावों से पहले गठजोड़ का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन ममता और उनकी तृणमूल कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। इससे पहले ममता बनर्जी ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेकर बंगाल में पांव जमाने के आरोप भी लगा चुकी हैं। बीजेपी के मजबूत होने के साथ बंगाल में जिस तरह से धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन तेज हुआ है, उसमें ओवैसी की मौजूदगी खासकर सत्तारूढ़ पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकती है। ओवैसी की पार्टी इन चुनावों में कितना असर डाल पाएगी, लाख टके के इस सवाल का जवाब
तो चुनावों के बाद मिलेगा, लेकिन राज्य में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उसका मैदान में उतरना बेहद अहम है। दो हजार ग्यारह की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 27.01% मुस्लिम थे। अब यह आंकड़ा 30% के करीब पहुंच गया है। बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य के जिलों में मुस्लिम आबादी बहुतायत में है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में इस तबके के लोगों की आबादी कुल आबादी की आधी या उससे ज्यादा है। इनके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका खासा असर है। विधानसभा की 294 सीटों में से 100 से 110 सीटों पर इसी तबके के वोट निर्णायक हैं। 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चा का कब्जा था, लेकिन उसके बाद ये लोग धीरे धीरे ममता की तृणमूल कांग्रेस की तरफ पोलराइज हो गए। 2011 और 2016 में इसी वोट बैंक की बदौलत ममता को सत्ता मिली, लेकिन बीजेपी की ओर से मिलती मजबूत चुनौती के बीच अब ओवैसी के यहाँ चुनावी राजनीति में उतरने की वजह से ममता बनर्जी सरकार के लिए नया सिरदर्द पैदा होने का अंदेशा है। पश्चिम बंगाल की सरकार भ्रष्ट सरकार है, हिंसा की राजनीति करने वाली सरकार है, माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार है। भाईकों की भूमिका इस प्रदेश के अंदर गोल्ड माफियाओं को संरक्षण देना, सैंड माफियाओं को संरक्षण देना, गोल्ड माफियाओं को संरक्षण देना, सिंडिकेट राज चलाना और हिंसा की राजनीति करना, ये ममता सरकार की पहचान हो गई और इन सब गलत कामों को संरक्षण देते हैं भाई को। कुल मिलाकर इस प्रदेश को बचाना है अगर, तो हमें ममता जी से और भाई को से इस प्रदेश को बचाना पड़ेगा, उन्हें अपदस्थ करना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। बीजेपी की चुनावी जीत के लिए मुस्लिम वोटों का बंटना बेहद अहम है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय कहते हैं, हमें बंगाल में जीतने के लिए किसी बी या सी टीम की जरूरत नहीं है, पार्टी अपने बूते यहां 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल में ओवैसी की एंट्री से सबसे ज्यादा नुकसान ममता बनर्जी को होगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि बीजेपी, टीएमसी और ओवैसी के ट्रायंगल पॉलिटिकल फ्रंट से मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे और जातिगत वोटों के बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज। और इस रिपोर्ट के बाद हम आपको लाइव ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां से मेरे सहयोगी तपस सेन गुप्ता लाइव जुड़ रहे हैं। तपस, जिस तरह से हमने देखा है कि बिहार के बाद में अगर कोई स्टेट है जिस पे सबसे ज्यादा फोकस है वो है पश्चिम बंगाल, जिस तरह से अमित शाह की एंट्री हुई, जिस तरह से अमित शाह पिछले 2-3 सालों से लगातार फोकस बनाए हुए थे, कैलाश विजयवर्गीय जो कि एक लेफ्टिनेंट के तौर पर देखे जाने चाहिए वो लगातार बने हुए हैं पश्चिम बंगाल पर फोकस गड़ाए हुए, किस तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स ओवैसी के आने के बाद में बदलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो हमेशा से ही काफी पोलराइज रहा है और यहाँ पर जातिवाद का पॉलिटिक्स तो उस लिहाज से देखा नहीं जाता है, लेकिन खासकर ये माइनॉरिटी पॉलिटिक्स हमेशा से ही पश्चिम बंगाल में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लेफ्ट रिजीम में तकरीबन 27% माइनॉरिटी वोट बैंक था, जिसके बलबूते पर लेफ्ट तकरीबन 34 साल वो ने राज किया था, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी जब सत्ते में आए उसके बाद तकरीबन ये 27% बढ़कर 30% हो गया था, और उसके बाद 10 साल बीत गया और अभी 30-31% के बीच ये माइनॉरिटी वोट बैंक घूमता नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप बीजेपी की बात करें, बीजेपी के तरफ से ये माना जा रहा है कि माइनॉरिटी जो अगर स्पेसिफिकली कहा जाए कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बीजेपी के पास कभी नहीं था और ना ही वो उम्मीद रखते कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जी, जी। किसी भी तौर पे बिल्कुल तपस्त। तो माइनॉरिटी वोट बैंक हमेशा से ही अपना अहम रोल अदा करता रहा है और वो बीजेपी के साथ में कन्वेंशनल वोटर जिसे कहते हैं वो कभी भी नहीं रहा। तपस, अगर आप तक मेरी आवाज अभी आ रही है तो एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से हमने देखा है कि वायलेंस काफी ज्यादा आया हुआ है, हत्या, हिंसा, बमबारी काफी कुछ होता रहा है, कोई नई बात है नहीं ये पश्चिम बंगाल के लिए विशेष तौर पर पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एक नया पैटर्न हमें देखने मिला है और वो लगातार 4-5 सालों से जारी है और अब थोड़ा सा और गहरा गया है, वो है टीएमसी के मिनिस्टर्स और जो सीनियर पार्टी लीडर्स हैं वो पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं ग्राउंड जीरो पर पश्चिम बंगाल में, कार्यकर्ताओं पर,
पार्टी पर, सरकार पर कैसा असर पड़ रहा है इससे? चलिए हमारे सहयोगी तपस्विन गुप्ता से ऑडियो कनेक्शन की वजह से वापस हम संपर्क साधने की कोशिश बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल उसी खबर पर नजर बनाए हुए बीजेपी के बंगाल प्रभारी और सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया है कि संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है। बीजेपी लीडर ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती है। बंगाल की सियासत को समझने वाले जानकार कहते हैं कि सीएए का मुद्दा बंगाल चुनावों में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर बीजेपी बेहद आक्रामक है। 200 प्लस का विजन लेकर चल रही बीजेपी वोटर्स को अपने पाले में करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहती है। पार्टी महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जनवरी तक सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता हम प्रदान करेंगे। सीएए बिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से पारित कराया। सीएए बिल के खिलाफ ममता जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। मोस्ट प्रॉबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम कह रहे हैं कि ममता जी ने वादा किया था सोनार बंगला का, पश्चिम बंगाल की जनता ने दो बार उनको आशीर्वाद दिया। सोनार बंगला तो नहीं बन पाया, पर एक ऐसा बंगला बनता जा रहा है जहां पर विदेशी घुसपैठी आ रहे हैं, हमारे संस्कार और संस्कृति को खतरा है। उधर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से इस्तीफा दे चुके पूर्व मंत्री शुभेंदु सरकार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने इसके संकेत भी दिए हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है। ममता ने दो टूक कहा, जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं, हम पार्टी विरोधी गतिविधियों को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। शुभेंदु पश्चिम बंगाल की सियासत के बड़े चेहरे हैं और उनका लंबे वक्त से पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विवाद चल रहा है और ये बात तय है कि शुभेंदु का टीएमसी से अलग होना ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को शाम शुभेंदु का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को कड़ा संदेश जरूर दे दिया। ममता बनर्जी ने कहा, ऐसे लोग जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं या दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं, उन्हें मैं साफ करना चाहती हूं कि वो पार्टी छोड़कर जाने के लिए आजाद है। हालांकि शुभेंदु ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वो बीजेपी में कब शामिल होंगे, लेकिन टीएमसी ये मानकर चल रही है कि शुभेंदु अब पार्टी में नहीं है। सूत्रों की माने तो टीएमसी ने शुभेंदु के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अमित सिंह, इंडिया न्यूज़। चलिए हमारे सहयोगी तपस्विन गुप्ता वापस लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपस, जो हम चीज समझना चाहते थे और हमारे दर्शकों को अगर आप ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग दे सके कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े लीडर्स टीएमसी के छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं पर, सरकार पर काफी ज्यादा असर मनोबल पे पड़ रहा होगा। हाँ जी जरूर, और ये एक डुअल फाइट है जो ममता बनर्जी इस समय लड़ रही है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी जैसे फॉर्मिडेबल ओपोनेंट का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, जिसके लिए प्रशांत किशोर आए दिन नए स्ट्रैटेजी सामने ला रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो ममता बनर्जी अपने घर को बचाने में सबसे ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं और इसका जो सीधा जो इफेक्ट है वो जो ग्राउंड में जो कार्यकर्ता है वो बड़े कंफ्यूज है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जब से युवा जिसके प्रेसिडेंट अभिषेक बनर्जी है, तृणमूल यूथ विंग जिसे कहा जाता है, युवा तृणमूल युवा और तृणमूल कांग्रेस के बीच हमेशा से ही एक मतभेद रहा है और जब से ये युवा बना है तब से इनमें मतभेद रहा है और अब जिस स्थिति में है जहां शुभेंदु अधिकारी राजीव बनर्जी जैसे जो मास लीडर्स है, जो यूथ लीडर्स है, जो बहुत जैसे राजीव बनर्जी को ट्रांसपेरेंट एक कैरेक्टर और लीडर कहा जाता है, जो कोई किसी भी करप्शन के साथ उनका नाम कभी नहीं जुड़ सकता, इस तरह के नेता जब सामने आकर पार्टी के समाल को क्रिटिसाइज करते हैं तो उस समय जो ग्राउंड के कार्यकर्ता है, चाहे वो युवा के हो चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हो,
वो बड़े कंफ्यूज है कि कौन उनके नेता है कौन उनके नेता नहीं है। वो क्योंकि तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से ही ममता बनर्जी के पोस्टर को सामने रखकर वो लड़ाई लड़ा है, लेकिन आज जब अलग अलग गुटों में ये बढ़ता जा रहा है पार्टी, क्योंकि हमें राजीव बनर्जी हो शुभेंदु अधिकारी हो इनका पोस्टर जब सामने आ रहा है जहां उनको उनके साथ लोग खड़े हैं इस तरह का बयान लिखा जा रहा है उन पोस्टर्स में, तो क्या तृणमूल कांग्रेस बटने के कगार पर है? जो ग्राउंड लेवल पे है कार्यकर्ता उन वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है, तो इसका जो फायदा है ये कहीं ना कहीं ये नया डायनामिक शेप ले रहा है पश्चिम बंगाल का पॉलिटिक्स, और यहाँ कहीं ना कहीं फायदा या एडवांटेज बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। और अगर आप AIMIM की बात करें तो AIMIM का पश्चिम बंगाल में आना भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एक सुविधा होगा, लेकिन दूसरी और ममता बनर्जी के लिए काफी परेशानी की बात होगी। तो कुल मिलाकर आने वाला जो चुनाव है वो ममता बनर्जी के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है, हालांकि बीजेपी और TMC के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन आप मेरी माने तो अगला जो चुनाव लड़ा जाएगा वो ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा, ना कि बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने तपस। तो दो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स आपने कही, ममता बनर्जी के लिए दोहरी लड़ाई है, अंदरूनी भी, टीएमसी में जो लोग छोड़ के जा रहे हैं बड़े बड़े नाम है बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्हें बचाना घर बचाना, और साथ ही साथ सबसे बड़े टीएमसी के फिलहाल अगर आप करंट पॉलिटिक्स में देखें तो सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी के साथ में लड़ना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होगा कि टीएमसी को काफी बड़ा धक्का पहुंचाएगी असदुद्दीन ओवैसी AIMIM, और यही बात बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में काफी कुछ नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा क्योंकि जब तक वोट नहीं पड़ता जब तक EVM नहीं खुलता तब तक रिजल्ट का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।